Hey, what's up guys, Anuj here and welcome to the DSA-One course. And in this video, we are going to solve a very important question on linked list, which is duplicate a linked list with random pointer. It's very famous in the interview, that you have given a linked list and you have given a next pointer, but in this linked list, there is also a random pointer in every node. So, every node has a random pointer and you have to make this linked list एकदम डुप्लीकेट लिंक लिस्ट इसकी बनानी है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल पॉइंटर होते इसके अंदर, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट होता, तब तो आप बहुत इजीली कर लेते, राइट। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाते और हर एक नोड का आप डुप्लीकेट बनाते चलते और इस तरीके से आप लोगों की डुप्लीकेट लिंक लिस्ट तैयार हो जाती है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंटर तो सेट कर दिया, लेकिन रैंडम पॉइंटर कैसे सेट करोगे इस डुप्लीकेट लिंक लिस्ट के अंदर। नोड आपकी कुछ इस तरीके से है कि हर नोड के अंदर डेटा है, हर नोड के अंदर नेक्स्ट पॉइंटर भी और हर नोड के अंदर एक रैंडम पॉइंटर भी है। तो इसका रैंडम 3 को पॉइंट कर रहा है, ये ठीक है। रेड वाले का मतलब रैंडम है और ब्लैक वाले का मतलब नेक्स्ट है। तो इसका रैंडम 3 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसका रैंडम 3 को कैसे पॉइंट करेगा? यहाँ का तो हमारे पास पॉइंटर ही नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमें यहाँ पर 3 पर जाना है और यहाँ पर भी 3 पर जाना है? एक तरीका जो आप लोग सोच सकते हो वो ये कि ऐसा करते हैं, इसका रैंडम ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 3 जो है वो कितनी दूर बाद मिल रहा है। तो 3 जो है वो थर्ड डिस्टेंस पे मिल रहा है, तो आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी यहाँ पर भी 3 बार ट्रैवल करेंगे और इसका नेक्स्ट इसका जो रैंडम होगा वो यहाँ पॉइंट करा देंगे। सिमिलरली 2 का रैंडम पॉइंटर क्या, 2 का रैंडम पॉइंटर है 1, तो यहाँ से अगेन ट्रैवल्स करना स्टार्ट करूँगा और देखें कि ये 1 जो है वो कितने डिस्टेंस पर मिल रहा है। तो 1 यहाँ पर 1 डिस्टेंस पर मिल रहा है, तो 1 यहाँ पर 1 डिस्टेंस पर अगेन मिल रहा है, तो इसका रैंडम पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट करा दिया। सिमिलरली 3 से देखेंगे, 3 का रैंडम पॉइंटर 3 को ही पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ से अगेन चलना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 3 जो है वो कितने डिस्टेंस पर है। तो 1, 2, 3, तो 3 डिस्टेंस पर, तो इसका रैंडम पॉइंटर 3 को पॉइंट कर देगा। तो ये वाला तरीका भी हो सकता है, लेकिन देख लो इस वाले के अंदर हर एक रैंडम पॉइंटर को सेट करने के लिए आप एक और इटरेशन कर रहे हो। तो बेसिकली आप लोग एन स्क्वायर टाइम, इसके अंदर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट। बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगी, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा क्यों, क्योंकि हर एक रैंडम पॉइंटर को सेट करने के लिए आप उसके अंदर एक और इटरेशन कर रहे हो और वो आप लोगों का बेसिकली बिग ऑफ एन स्क्वायर जाएगा। तो ये तो आपका बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गया, क्या इससे हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो अगर आप लोग थोड़ा और सोचोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि हाँ, एक और तरीका इसके अंदर है जिसकी वजह से आप लोग इसमें एक स्पेस यूज़ करके भी एक अपना काम चला सकते हो और आपका बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन में हो जाएगा। वो कैसे होगा कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग इनकी मैपिंग कर लोगे, ठीक है। ये वाली नोड इस नोड को मैप कर रही होगी, 2 वाली नोड 2 को मैप कर रही होगी, 3 वाली नोड 3 को मैप कर रही होगी। तो बेसिकली इस तरीके से कुछ मैप बनाने के लिए कह रहा हूँ मैं, एक हैश मैप बना लो। तो ये वाली नोड जो है ये हमारी की होगी और ये वाली नोड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगी वो वैल्यू होगी। और आपको क्या करना है, एक एक करके हर एक नोड को ट्रैवल करना है। पहले तो आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंटर बना ही लिए, इन दोनों जगहों से आगे बढ़ना है, इस वाली नोड पर आना, इस नोड का चेक करना है इसका नोड का रैंडम पॉइंटर कौन सा है। तो इस नोड का रैंडम पॉइंटर है ये वाली नोड, आप लोगों को चेक करना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस वाली लिंक लिस्ट के अंदर कौन सी नोड है। तो आप देखोगे 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली नोड है, तो आप इसका रैंडम पॉइंटर फिर इसको पॉइंट कर दोगे, तो इसका रैंडम पॉइंटर फिर इसको अपने आप पॉइंट करने लग जाएगा। सिमिलरली 2 पे जाओगे आप और 2 के लिए चेक करो कि इसका जो रैंडम पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका रैंडम पॉइंटर इस 1 को पॉइंट कर रहा है। तो आप 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढोगे इस मैप के अंदर कौन सी वाली नोड है जो इस लिंक लिस्ट के अंदर है, और आप लोगों को वो नोड मिल जाएगी, तो आप लोग फिर 2 का रैंडम फिर उस वाली नोड को पॉइंट कर दोगे। तो इस तरीके से भी आप लोग आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप लोग एक बिग ऑफ एन स्पेस यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन हो जा रही है, लेकिन यहां पे एक बिग ओ ऑफ एन स्पेस भी यूज हो रहा है। तो क्या हम इसे कांस्टेंट स्पेस और बिग ओ ऑफ एन टाइम में कर सकते हैं? तो ये इसका मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने वाला है कि हम इसे कैसे बिग ओ ऑफ एन टाइम और कांस्टेंट स्पेस के अंदर करने वाले हैं। उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि बेसिकली इस लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे होंगे। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा यहां पर इस हैश मैप की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास कोई भी लिंकिंग नहीं है, इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स के बीच में कोई लिंकिंग नहीं है, राइट। तो अगर हम ऐसी एक लिंकिंग बना दें बिना हैश मैप के, तो हमारा काम चल जाएगा और हमें एक मैप भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो हमारा वहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पेस हो जाएगा। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, इस नोड को थोड़ा तोड़ेंगे। तोड़ेंगे किस तरीके से कि इसका जो नेक्स्ट है इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, 2 को ना पॉइंट करके इसको पॉइंट करेगा। तो इसका नेक्स्ट जो है वो 2 को पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करेगा, और फिर इसका नेक्स्ट 2 को पॉइंट ना करके इस वाले 2 को पॉइंट कर रहा होगा, इसका नेक्स्ट 2 को पॉइंट ना 3 को पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करेगा, और इसका नेक्स्ट इस वाले 3 को पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों की यहाँ पे वो लिंकिंग बन जाएगी, और जरा देखते हैं इस लिंकिंग का यूज़ करके हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ जाएगा बेसिकली हमने किया क्या है कि आपकी सपोज करो लिंक लिस्ट थी कुछ ऐसी, 1 का नेक्स्ट 2, 2 का नेक्स्ट 3, 3 का नेक्स्ट 4 ऐसे, और फिर ये जो रेड वाले हैं ये रैंडम पॉइंटर थे। तो हमने क्या किया, हमने अपनी जो डुप्लीकेट लिंक लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दिया कि 1 के बाद हमारी डुप्लीकेट लिंक लिस्ट का 1 है, 2 के बाद हमारी डुप्लीकेट लिंक लिस्ट का 2 है, 3 के बाद हमारी डुप्लीकेट लिंक लिस्ट का 3 है, और 4 के बाद हमारी डुप्लीकेट लिंक लिस्ट का 4 है,
राइट। तो ये हमारी वो डुप्लीकेट लिंक लिस्ट है जो कि अभी आपको दिख नहीं रही होगी ठीक से, क्योंकि वन का नेक्स्ट तो टू को पॉइंट करना चाहिए, टू का नेक्स्ट थ्री को पॉइंट करना चाहिए, और साथ ही साथ इसके रैंडम पॉइंटर के भी अभी अब तक हमने ख्याल रखा नहीं है। तो हम अभी सभी चीज़ों का ख्याल रखने वाले हैं। बेसिकली मैंने क्या किया है, वो जो मैपिंग हमें बनानी थी ना, वो हैश मैप के थ्रू जो मैपिंग बनानी थी, वो हमारी मैपिंग यहाँ पे बन चुकी है। आप देख रहे हो वन का नेक्स्ट इस वन को पॉइंट कर रहा है, टू का नेक्स्ट इस टू को पॉइंट कर रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं, मैप कर सकते हैं। तो इस मैपिंग का हेल्प से जरा एक बार रैंडम पॉइंटर सेट कर लेते हैं। तो देखो रैंडम पॉइंटर सेट करना बहुत ही आसान रहने वाला है। कैसे कि वन का रैंडम कहाँ पर है, वन का रैंडम पॉइंट कर रहा है इस थ्री को, तो वन का रैंडम अगर थ्री को पॉइंट कर रहा है तो इस वाले वन का रैंडम भी इस थ्री के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इस थ्री का नेक्स्ट है ये, तो ये पॉइंट करेगा इसको। अब आप टू पे चले जाओगे, टू पे कैसे जाओगे आप, टू पे जाने का कोई तरीका नहीं है। तो टू पे जाने का एक तरीका है, वन के नेक्स्ट का नेक्स्ट टू को पॉइंट कर रहा है। अब टू पे चले गए हम, और टू पे जाने के बाद हम देखेंगे इस टू का रैंडम पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है। तो टू का रैंडम पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और इसके नेक्स्ट को ये वाला रैंडम पॉइंटर पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस टू का रैंडम पॉइंटर ये वन है, तो इस टू का रैंडम पॉइंटर भी ये वन हो, क्योंकि इससे हम यहाँ पर जा सकते हैं, इसका नेक्स्ट क्योंकि ये है। सिमिलरली अब थ्री पे जाएंगे, थ्री पे कैसे जाएंगे, यहाँ से इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट थ्री है, तो यहाँ पर चले गए। अब देखते हैं कि इसका रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका रैंडम पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो सिमिलरली इसका रैंडम पॉइंटर भी इसको पॉइंट करना चाहिए। कैसे कि यहाँ से यहाँ पर गए और फिर इसके नेक्स्ट पर यहाँ पर चले गए, और इसका रैंडम पॉइंटर फिर इसको पॉइंट करने लग जाएगा। सिमिलरली फिर फोर पे जाएंगे, फोर का देखिए, फोर का रैंडम पॉइंटर थ्री को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो रैंडम पॉइंटर है वो भी थ्री को पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि इसका थ्री का जो नेक्स्ट है और नेक्स्ट है वो यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमने दोनों के रैंडम पॉइंटर हमारे सेट हो चुके हैं, इस वाली डुप्लीकेट लिंक लिस्ट का रैंडम पॉइंटर सेट हो चुका है। अब क्या करना है, हमें ये लिंक ब्रेक करने हैं और इन सबको आपस में जोड़ देना है। तो ये करना तो बहुत ही आसान है, इसको करने के लिए तो कुछ नहीं, वन का नेक्स्ट जो होगा वो वन के नेक्स्ट का नेक्स्ट होगा बेसिकली। तो अब ये वाला पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, और फिर ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, और फिर जो इसका नेक्स्ट होगा वो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट होगा बेसिकली, तो वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये सारे सारे पॉइंटर्स अपने आप ब्रेक हो जाएंगे, और ये जो लिंक लिस्ट थी दो अलग अलग लिंक लिस्ट हमारी बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी दो लिंक लिस्ट बन जाती हैं, ये वाली हमारी ओरिजिनल वाली थी और ये हमारी डुप्लीकेट, और इनके रैंडम पॉइंटर भी अब सेट हो चुके हैं। तो ये वो तरीका था, यहाँ पर देख लो कोई हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना पड़ा, कोई हैश मैप वगैरह नहीं बनाना पड़ा, हमने बेसिकली इसी ओरिजिनल लिंक लिस्ट के पॉइंटर्स को थोड़ा मॉडिफाई करके अपना काम कर लिया, और हमारे पास अब दो लिंक लिस्ट बन चुकी हैं। तो इसका जरा कोड देख लेते हैं, कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला है, उसके बाद आप लोगों को और ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कोड कर दिया, काफ़ी लंबा सा कोड आप लोगों को दिख रहा होगा। एक्चुअली इस कोड के अंदर तीन व्हाइल लूप्स हैं, तीन बार आपको इटरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर पहली बार इटरेशन में हम क्या कर रहे हैं, पहली बार में हम नई नोड बना रहे हैं, बीच बीच में डाल रहे हैं। अगली इटरेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडम पॉइंटर ऑफ दिस न्यू नोड्स हम सेट कर रहे हैं, और थर्ड इटरेशन में हम इन दोनों लिंक लिस्ट को सेपरेट सेपरेट कर दे रहे हैं। जरा एक बार देख लेते हैं एक बार कोड को। तो डुप्लीकेट नाम का कोड है, इसके अंदर हम हेड पास कर रहे हैं, फिलहाल करंट जो है हमारा हेड है, और हम कर क्या रहे हैं कि हर नोड के बीच में एक नई नोड डालने का ट्राई कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, पहले हम टेम्प इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि करंट का नेक्स्ट हमने सेव कर लिया, क्योंकि करंट के नेक्स्ट को हम चेंज करने वाले हैं। तो टेम्प के अंदर हमने करंट के नेक्स्ट को सेव कर लिया है। करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो आपकी लिंक लिस्ट अगर कुछ ऐसी थी वन फिर टू और फिर थ्री, तो ये करंट था, करंट का नेक्स्ट हमने ये वाला पॉइंटर सेव कर लिया है। उसके बाद हमने करंट का नेक्स्ट, अब यहाँ पर नहीं रहेगा करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट पॉइंट करेगा एक नई नोड को, जिसके अंदर जो डेटा है वो करंट के बराबर है। तो अगर करंट के अंदर डेटा वन है तो इसके अंदर भी डेटा वन होगा। उसके बाद करंट का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टैम्प, तो करंट का नेक्स्ट तो ये है, इसका नेक्स्ट जो है वो इस टैम्प को पॉइंट करेगा। तो ये आप चेन बना रहे हो बेसिकली, ठीक है, इसका नेक्स्ट अब इसको पॉइंट कर रहा है, और फिर करंट जो है वो यहाँ पर आ चुका है, करंट टैम्प पे आ चुका है। तो ये प्रोसेस आप रिपीट करते चलोगे, तो ये आप बेसिकली ये बनाते चलोगे। अगर सपोज करो यहाँ पर टू था तो यहाँ पर भी टू आ जाएगा, और यहाँ पर अगर सपोज करो थ्री था तो यहाँ पर भी थ्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये चेन बना ली यहाँ पर, और आपने करंट इक्वल्स टू अब हेड सेट कर दिया, अगेन आप यहाँ पर आ चुके हो। और आप क्या करोगे, आप रैंडम पॉइंटर सेट करोगे। तो इसका जो भी रैंडम पॉइंटर था वो इसके हिसाब से यहाँ पर सेट होना चाहिए, राइट। तो कैसे सेट हो रहा है कि वाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, हम क्या कर रहे हैं, करंट के नेक्स्ट का रैंडम, क्योंकि हमें तो इसका सेट करना है, तो करंट का नेक्स्ट विच इज़ दिस नोड, इसका जो रैंडम होगा वो होगा करंट के रैंडम का नेक्स्ट, ठीक है, करंट के रैंडम का नेक्स्ट। यहाँ पर एक नल चेक भी लगा लिया कि हो सकता है कि करंट का रैंडम नल को पॉइंट कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो रैंडम पॉइंटर है वो नल को भी पॉइंट कर रहा हो। अगर नल को पॉइंट करेगा तो यहाँ पर वो नल हो जाएगा, अदरवाइज करंट के रैंडम का नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका रैंडम सपोज करो इसको पॉइंट कर रहा था, तो क्या होगा कि करंट के नेक्स्ट का रैंडम विल पॉइंट टू करंट के रैंडम का नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। सिमिलरली अगर इसका रैंडम इसको पॉइंट कर रहा था सपोज करो, तो क्या होगा, करंट के नेक्स्ट का रैंडम विल पॉइंट टू करंट के रैंडम का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको पॉइंट करने लगेगा। तो इस तरीके से हमारे रैंडम पॉइंटर यहाँ पर सेट हो जाएंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि करंट यहाँ पर था और अब हमें अगली इटरेशन में यहाँ पे आना है, तो करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट।
और ये तब तक चलेगा जब तक करंट नल नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये इटरेशन चलेगी और हमने यहाँ पर अपने रैंडम पॉइंटर सेट कर लिए हैं। अब हमारा काम है इन दो लिंक लिस्ट को अलग अलग करना, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हो इनका नेक्स्ट जो है वो आपस में एक दूसरे में उलझा हुआ है, हमें इन दोनों को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने का तरीका बहुत आसान है। ओरिजिनल लिंक लिस्ट तो हमारी हेड के बराबर होगी और जो डुप्लीकेट लिंक लिस्ट होगी वो हेड के नेक्स्ट के बराबर होगी, राइट। जो कॉपी होगी वो होगी हेड के नेक्स्ट के बराबर। इस हेड के नेक्स्ट को कॉपी को जरा सेव कर लेते हैं एक टैम्प के अंदर, क्योंकि फाइनली हमें इस टैम्प को रिटर्न करना होगा। फाइनली हमें इस डुप्लीकेट लिंक लिस्ट के हेड को रिटर्न करना है, तो उसको हमने सेव कर लिया है इस टैम्प के अंदर। उसके बाद वाइल ओरिजिनल इज नॉट इक्वल टू नल, हम आगे बढ़ते चलेंगे और कर क्या रहे हैं कि ओरिजिनल का नेक्स्ट इक्वल टू ओरिजिनल के नेक्स्ट का नेक्स्ट, कि इसका जो नेक्स्ट है वो इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट के बराबर होना चाहिए। तो अब ये इसको पॉइंट करेगा। सिमिलरली कॉपी तो ये वाली नोड है, तो कॉपी का नेक्स्ट होगा कॉपी के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो कॉपी इसको पॉइंट करेगा। तो ये दो पॉइंटर्स अपने आप यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये वाला पॉइंटर तो यही रहेगा, ये वाला पॉइंटर हट जाएगा। तो वन यहाँ पर टू को पॉइंट कर रहा है, सिमिलरली वन यहाँ पर वन का नेक्स्ट यहाँ पर टू को पॉइंट कर रहा है। और अब हम आगे बढ़ जाएंगे, ओरिजिनल कोस्ट ओरिजिनल का नेक्स्ट और कॉपी कोस्ट कॉपी का नेक्स्ट। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे जब तक कि ओरिजिनल नल नहीं हो जाता। और जब हम ऐसे करते चलेंगे तो हमारे फाइनली ये वाले जो नोड्स होंगे, ये वाले जो पॉइंटर्स होंगे हट जाएंगे, और टू इस थ्री को पॉइंट करेगा और टू इस थ्री को पॉइंट करेगा। और अब हमारी दो सेपरेट सेपरेट यहाँ पर लिंक लिस्ट बन जाएंगी, जिनका जो रैंडम पॉइंटर है वो भी सेट हो चुका है। और फिर फाइनली हम जो हमने डुप्लीकेट बनाया यहाँ पर हमने सेव कर लिया था ना कॉपी को, वही हम टैम्प वाला पॉइंटर यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो ये वाली नोड जो है हम रिटर्न कर देंगे, जो कि हमारी डुप्लीकेट लिंक लिस्ट का हेड है। तो इसी के साथ ही ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को आई होप पूरा का पूरा समझ में आ गया हो। इसके अलावा यार मल्टीपल और भी क्वेश्चन होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन को। लेकिन डीएसए वन कोर्स के अंदर हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे अगले डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ये वाली वीडियो बताना कैसे लगी, अगर आप लोगों को पसंद आई वाली वीडियो, आप लोग समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं बोलूँगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। बाय बाय।